मैंने क्या बोला कि जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाए तो डाइजेशन से खाना अपने पेट में गया, उसका हुआ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन संडे पढ़ेंगे है ना, वो उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद हमको मिलता है न्यूट्रिशन, मेनली न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन और ये होते हैं, और ये न्यूट्रिशन ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुँच गया, ठीक है। और जो ब्लड में मिक्स होकर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा है तो बाई पंपिंग हार्ट के थ्रू पहुंचा। अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंच तो गया है, लेकिन यदि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो अपन क्या करेंगे, लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन, और जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंच गया था उस ब्लड में ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके उससे क्या हमको दिला देगा, एनर्जी। जब एनर्जी देगा तो साथ में वेस्ट मटेरियल भी तो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एमिनो एसिड, यूरिया, ये वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्या कहलाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे किडनी के थ्रू। समझ में आया? तो हमारी बॉडी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट अभी खत्म होने वाले हैं, पहला मैंने पढ़ लिया हार्ट, दूसरा पढ़ लिया लंग्स, आज हम शुरू करेंगे किडनी, क्लियर। चलो तो अब यहाँ पे जैसे यदि हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में मेनली अपने को पढ़ना होता है किडनी। अब सुनना, ह्यूमन तो आ गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, क्या, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ पे दो चीज़ें आप समझिएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है, पहले चलो एक काम करते हैं, नहीं पहले समझ लो, चलो अपन एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया ग्लूकोज, अपन ने खाया ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड, फिर इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद बनेगा CO2, वाटर प्लस एनर्जी, सीओ वो है ना, CO2, वाटर और एनर्जी, एनर्जी को हमारी बॉडी ने यूज कर लिया, एनर्जी यूज हो गई, और CO2 और वाटर जो थे ये वेस्ट मटेरियल हो गए, कैसे हो गए, ये वेस्ट मटेरियल हो गए। अब सेकंड हमने ले लिया, चलो ग्लूकोज के साथ साथ हम यहाँ पे फैट भी ले लेते हैं, क्योंकि फैट भी नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, चाहो तो इसको अलग से लिख लो, लिखना चाहो तो। चलो सेकेंड अपन ने खाने में क्या लेते हैं ग्लूकोज के अलावा, ग्लूकोज में ये सारे आ जाएंगे, चावल मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट के सोर्स वाले ना, सारे इसमें ग्लूकोज में आ जाएंगे। सेकेंड नंबर पे चलिए अपन ने ले लिया प्रोटीन, क्या ले लिया, प्रोटीन, प्रोटीन का होगा क्या, बीटा ऑक्सीडेशन, और यहाँ से मिल जाएगा NH3 प्लस एनर्जी, तो एनर्जी को क्या अपनी बॉडी ने यूज कर लिया, एनर्जी को अपनी बॉडी ने यूज कर लिया, आइए मिल गया, हो गया क्या, वेस्ट मटेरियल हो गया ये, ठीक है। फिर यदि अपन बात करें फैट, अपन ने ले लिया फैट, फैट का भी होगा क्या ऑक्सीडेशन, फैट का ऑक्सीडेशन के बाद अपने क्या मिलेगा, एनर्जी, और कुछ मिलेगा C2H5OH, एथाइल अल्कोहल करके कुछ मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, तो ये हो गया वेस्ट मटेरियल, ये भी वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको एनर्जी को अपनी बॉडी ने यूज कर लिया, एनर्जी को बॉडी ने यूज कर लिया, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अपन क्या हुआ, यहाँ पे एक्सक्रेटरी मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे हो गया अमोनिया, और यहाँ पे हो गया एथाइल अल्कोहल, बाकी तीनों से कार्ब मतलब ग्लूकोज से, मतलब कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, इन तीनों से जो एनर्जी मिली ATP फॉर्म में, तो उसको हमारी बॉडी ने यूज कर लिया। जो वेस्ट मटेरियल हुआ, तो ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएंगे पता है, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल जाएंगे कहाँ जाएंगे, बोलो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ, किडनी, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल जाएंगे बेटा लीवर सेल में, और लीवर सेल में बाया ऑर्निथिन साइकिल
वाया ऑर्निथिन साइकिल ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिया में, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये यूरिया फिर कहाँ जाएगी, किडनी, और किडनी में फिर इसका क्या होगा, फिल्टर, क्या होगा, किडनी में फिर इसका होगा फिल्टर बाया नेफ्रॉन, और फिर ये कैसे कैसे यूरिनेशन, मतलब एक नंबर, समझ गए, ऐसे मिट्टी में, समझ गए। तो ये हो गया, देखो ये तो अपन ने, मैंने बताया कि ये हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, एक्सक्रेटिव सिस्टम में। अभी चैप्टर शुरू नहीं किया फिर भी अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला देखो तुम सबने यहाँ पे अटक गए थे, समझ गए। तो देखिएगा फिर से, जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो भी खाते हैं तो जो इनसे एनर्जी निकलती है एटीपी फॉर्म में हमारी बॉडी यूज कर लेती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में ही मिक्स रहता है। वेस्ट मटेरियल कहाँ आता है, लीवर सेल में, लीवर में आता है, लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चलती है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिया में, और यूरिया कहाँ जाते हैं, किडनी में, बाया ब्लड, ये सब अभी ब्लड के साथ ही जा रहा है, कहाँ गया, किडनी में, किडनी के बाद इसका फिल्टर होता है बाई नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के बाद ये क्या हो जाता है, यूरिन ब्लैडर से यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे क्या, ये साइकिल देखेंगे मेनली, तो इसको पहले नोट करो, जरूरी है। ये एक अपनी एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम यहां पे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में मेनली पढ़ते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है अपना अमोनिया, जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, अमोनिया। मनीष पहले इधर समझ लो फिर लिखना बेटा बाद में। यहाँ पे जो हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ये एनिमल सेल सब हैं, मतलब कि हम पर्टिकुलर अभी ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे एनिमल सेल जिनमें मतलब ये सारी प्रोसेस होती हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको एनर्जी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए, तो सारी की सारी ये प्रोसेस सब में होंगी, क्लियर। तो देखो जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में होता है अमोनिया। अब ये अमोनिया जो होता है ना तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लियर। ये एक तो अमोनिया ही रह जाता है, एक तो अमोनिया ही रह जाता है, एक ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके लीवर में यूरिया बना देता है, और यही अमोनिया बना देता है यूरिक एसिड, क्लियर हुआ। तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, यदि हम इनके पॉइजनस नेचर की बात करें, पॉइजनस नेचर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है अमोनिया, फिर होता है यूरिया, फिर होता है यूरिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर, समझिएगा। सेल में अमोनिया है, अमोनिया, यदि अमोनिया ज़्यादा पॉइजनस नेचर होता है तो उनको, जैसे मान लो कि ये अमोनिया, अब ये किन एनिमल्स में होगा, तो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वो वाले एनिमल्स में जो यूरिन निकलता है वो होता है अमोनिया, इसलिए उन एनिमल्स को हम बोल देते हैं अमीनोटेलिक एनिमल। अमीनोटेलिक एनिमल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फिश, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, फिश। और जबकि इनमें ये होता है ना, जैसे वो पानी पिए जस्ट दो तीन सेकेंड में यूरिनेशन, पानी पिए यूरिनेशन, पानी पिए यूरिनेशन, क्योंकि यदि उनकी बॉडी में अमोनिया लंबे टाइम तक रुक जाएगा तो उनके सेल की डेथ हो जाएगी और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, इसलिए वो अपनी बॉडी में अमोनिया को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं से कर सकते, उनको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक एनिमल, आई एग्जाम्पल है इसका फिश, समझ में आ गया ना। क्योंकि यदि वो अपनी बॉडी में, जैसे अपन लोग पानी पिए, पानी पीने के बाद कम से कम तीन चार घंटे पाँच घंटे अपनी बॉडी में यूरिन, मतलब यूरिन स्टोर हो सकता है, इसका पॉइजनस नेचर है
लेकिन इतना पॉइजनस नेचर नहीं है जितना इसका है। फिर यूरियोटेलिक में, यूरिया में क्या होता है, जैसे अब ये तो हो गया फिश में, वो ये इसमें ऑल एनिमल्स है ना, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स बोल सकते हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं, ऑल एक्वेटिक एनिमल, सारे के सारे पानी में जितने एनिमल्स रहते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अमीनोटेलिक्स होते हैं। अब इसके बाद आ जाओ यूरिया, अब जिनमें यूरिनेशन में यूरिया बाहर निकलता है, मतलब ये NH3 प्लस CO2 लीवर सेल में क्या होता है, जो NH3 रहता है ना बॉडी में, जो NH3 रहता है अपन एक्सपायरेशन के थ्रू क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, यूरिया, कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, बोलो, यूरियोटेलिक एनिमल, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ह्यूमन हो गए, काऊ हो गए, टाइगर, मतलब ये जितने भी हैं ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, मतलब कि अब ये देखो, यूरिया को अपन बॉडी में बहुत कम टाइम तक एनिमल स्टोर कर, सॉरी अमोनिया को बहुत कम टाइम तक एनिमल स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस नेचर है। ज़्यादा लंबे समय तक यदि बॉडी में अमोनिया रहेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म या लिविंग एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। यूरिया इससे थोड़ा कम, तो ये इसको मतलब 4 घंटे 6 घंटे में यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि ये यूरिया अपनी बॉडी में है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर है, तो भी इससे पॉइजनस नेचर की वजह से सेल डेथ हो सकती है, ठीक है। ये हो गया यूरिनेशन के थ्रू, उनको हम बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब कुछ एनिमल जिनके पास पानी की बहुत कमी होती है, देखो जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा है अमीनोटेलिक, पानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो यूरियोटेलिक। जिनके पास पानी की बहुत कमी है उनमें बनता है यूरिक एसिड, हम इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, अपन इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल। इनमें जो यूरिनेशन, इनमें जो मतलब वाटर जो ये लोग बाहर निकालते हैं ना, तो डायरेक्ट स्टूल के फॉर्म में वाटर निकालते हैं, पेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा, बोलो, रेप्टाइल्स, क्या होगा इसका एग्जांपल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स पक्षी, बर्ड्स आएंगे, नहीं मैं बोल रहा हूँ बर्ड्स है ना, बर्ड्स मतलब ये सारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारे जो होते हैं, तो मतलब जो इनका यूरिनेशन होता है, मतलब जैसे बर्ड्स वगैरह एक नंबर नहीं जाते डायरेक्ट, वो 3 नंबर जाते हैं, मैमल्स नहीं आएंगे, ऊंट नहीं आएगा, ये यहाँ पे रहेगा, सुसू करता ना, नहीं जब उसके पास, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, यदि मतलब कैमल्स यहीं पे आएगा यूरियो में, वो कंडीशन कि पानी नहीं है तो वो करता है क्या। अरे यार एक नंबर मतलब, और 2 नंबर समझ गए ऐसे, तो ये हो गया अपना, क्या बोला, ठीक है समझ लो। अपने को मेन जो समझना ये था कि जो एनिमल्स की बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है, तो अपने पूरे मतलब जितने भी एनिमल है 3 क्लास में क्लासिफाइड किए गए हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमीनोटेलिक जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा रहता है आराम से, यूरियोटेलिक पानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड, यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो पानी बहुत ज़्यादा है तो मतलब अमोनिया का नेचर पॉइजनस है, इजिली से निकालते रहते हैं, पॉइजनस नेचर थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, नोट कर लो फटाफट।